मॉर्निंग स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, कल हम कर रहे थे बच्चे चैप्टर नंबर 15, जिसका नाम है सूरदास के पद। सूरदास के पद इसके कवि हैं सूरदास जी। इसमें हमने कल बात की थी कि जो सूरदास के पद हैं उसमें सूरदास जी ने श्री कृष्ण के बाल रूप का मनोहारी वर्णन किया है, यानी कि जो श्री कृष्ण हैं उनका जब बचपन में वो किस प्रकार के थे, किस प्रकार की वो बाल क्रीड़ाएँ करते थे और कैसे कैसे वो शरारतें करते थे, उसका वर्णन इसमें कहा है। अपनी माता यशोदा से किस प्रकार के प्रश्न पूछते हैं उसका वर्णन इसमें बहुत ही सजीव तरीके से किया है। आज हम जो पद्यांश करने जा रहे हैं, सेकंड स्टैंजा इस कविता का करने जा रहे हैं, सूरदास के पद का सेकंड स्टैंजा, इसके अंदर क्या है, इस स्टैंजा के अंदर जो गोपियां हैं वो माता यशोदा को क्या करती हैं, माता यशोदा को वो श्री कृष्ण के का उल्हाना देती है। अर्थात क्या बात, अगर सरल शब्दों में बात करें तो जो श्री कृष्ण जी हैं वो हल्की फुल्की जो शरारतें करते हैं और जो गोपियों का नुकसान करते हैं उसके बारे में माता यशोदा को बता रही हैं और साथ ही माता यशोदा पर अनोखा पुत्र जनने का भी व्यंग्य मारती है, व्यंग्य कसती है। वो श्री कृष्ण के प्रति, श्री कृष्ण के खिलाफ माता यशोदा के पास उनका उल्हाना लेकर आती हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्या है इसके अंदर, लाइन टू लाइन हम पहले एक बार इसको रीड कर लेते हैं पूरे स्टैंजा को, उसके बाद लाइन टू लाइन इसकी वर्ड मीनिंग के साथ व्याख्या करती है। तेरो लाल मेरो माखन खायो, दुपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी, ढंडोरी आप ही आयो, खोली किवार बैठी मंदिर में, दूध दही सब सखनी खवायो, उखल चढ़ी सीके को लीनो, अनभावत भुए में ढरकायो, दिन प्रति हानि गोरस की, यह डोटा कौन ढंग लायो, सूर शाम के हट की न राखे, ते ही पूत अनोखा जायो। तो वही बात इसमें मैंने आपको बताई कि इसमें गोपियां हैं जो श्री कृष्ण के छोटे छोटे शरारते हैं उनके लिए, उनकी शिकायत लेकर यशोदा माता के पास आ रही है और साथ ही यशोदा माता पर व्यंग्य भी करती है। ठीक है बच्चे, तो अब देखिए, पहले तो यहाँ पर शब्द लिख लीजिए। रोज़ रोज़ मैं आपको बोलती हूँ, नोटबुक रखें या फिर पेंसिल रखें साथ में ही, बुक पर अंडरलाइन कीजिए, नंबर संख्या डालिए और उसका मीनिंग नोट करते रहिए। तो देखिए बच्चा क्या कहते हैं, तेरो लाल मेरो माखन खायो, दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी, ढंडोरी आप ही आयो। यशोदा माता से, ग्वालन यशोदा माता से कहती हैं कि तेरे लाल ने अर्थात तेरे पुत्र ने मेरा मक्खन खाया है, दोपहर दिवस जानी सुनो ढूंढी। दिवस होता है दोपहर, मीन्स दोपहर का जो समय होता है दोपहर, और दिवस होता है दिन, जानी मीन्स जानकर, सुनो मीन्स सुना। तो
तो लिखिए बेटे दोपहर, दोपहर दिवस दिन, सुनो होता है सुना और जानी होता है जानकर। सुनो मीन्स सुनसान, या सुना दोपहर दिवस जानी घर सुनो ढूंढी। कहते हैं कि ग्वालिन कहती है कि दोपहर के समय घर में सन्नाटा देखकर, यानी कि दोपहर के समय दिन के दोपहर के समय दिन में दोपहर के समय लेखक सन्नाटा देखकर मीन्स सुनसान देखकर ढंडोरी आप ही आयो। सन्नाटा देखकर तेरा पुत्र जो है माखन को खोजता हुआ स्वयं ही मेरे पास आ गया। ढंडोरी होता है ढूंढना ढूंढी। तेरा जो पुत्र है वह दिन के दिन में दोपहर के समय सूना देखकर मीन सन्नाटा देखकर माखन को खोजता हुआ स्वयं ही आ जाता है। खोली किवारी बैठी मंदिर में, खोली मीन्स खोला, किवारी मीन्स किवाड़ और बैठी मीन्स घुस कर। तो लिखिए खोली मीन्स खोलना, किवारी मीन्स किवाड़ के दरवाजा, दरवाजा पैठी होता है घुसकर। तो देखिए बागी क्या कह रही है, खोली किवारी, देखिए बच्चे क्या कहते हैं कि खोली किवारी बैठी मंदिर में, कहते हैं कि वह किवाड़ को खोलकर मंदिर में घुस जाता है। दूध दही सब सखनी खवायो, सखनी होता है मित्र। सखनी होता है मित्र। अब क्या कहती है ग्वालिन, कहती है कि वे उसने घर के किवाड़ को खोला, यानी कि वह घर के किवाड़ खोलकर मंदिर में घुसकर बैठ गया और अपने सभी मित्रों के साथ क्या किया, अपने सभी मित्रों को भी मक्खन खिलाया, दूध दही सब खवायो, दूध और दही अपने दोस्तों को भी खिलाया। उखल चढ़ी सीके की लेनो हो, लेनो मीन्स लेना, सीके सीके होता है दूध और दही के रखने वाला छींका, यानी कि पहले जब होता था पुराने ज़माने में दीवार के ऊपर एक किस तरीके से पोल होता था, उस पर रस्सी और इस प्रकार से एक जाली सी होती थी जिसके अंदर दूध या दही की मटकी को रख देते थे। तो क्या करते हैं लेकर जो श्री कृष्ण होते, पहले तो सीके का अर्थ जो मीनिंग लिख लीजिए बच्चे, सीका होता है यहीं पर लिखो सीका, दूध वह दही को रखने का स्थान, ठीक है। तो क्या कहते हैं
कहती हैं कि उखल चढ़ी सीके की लीनू कि वह उखल पर चढ़कर सीके से छीके से मक्खन को उतार लेता है। अनभावत भुई में ढरकायो और कुछ तो खा लेता है और जब उसे नहीं भाता तो वह भुई मीन्स जमीन पर ढरकायो मीन्स गिरा देता है। ढरकायो मीन्स गिराना। मतलब कहने का तात्पर्य यहाँ पर यह है, ग्वालिन ये कहती हैं कि वह उखल पर चढ़ जाता है, उखल को सरकाकर उस पर चढ़कर अब मक्खन को उतारता है और क्या करता है, जितना खाना होता है खा लेता है, बाकी को क्या करता है, रस जाने पर, पेट भर जाने पर मक्खन धरती पर बिखरा जाता है। दिन प्रति हानि गोरस की, और गोरस मीन्स दूध, दही, दूध से बने हुआ सामान जो होता है उसको बोलते हैं गोरस। देखिए गाय के दूध से गोरस, गाय के दूध से बने पदार्थ, दूध, घी, मक्खन आदि, ऐसे गाय के दूध से क्या क्या बनता है, घी, दही, मक्खन आदि। तो क्या कहती हैं ग्वालिन, कहती हैं दिन प्रतिदिन हानि, हानि मैंने नुकसान। अब कहते हैं कि दिन प्रतिदिन वह हर रोज इस प्रकार गोरस की हानि करता है। यह डोंठा पूने ढंग लायो, डोंठा मीन्स लड़का, डोंठा होता है लड़का। यह इस लड़के का कौन सा तरीका है, मतलब जो ग्वालिन है वो यशोदा माता से कहती है कि उखल पे चढ़ के ठीक है भाई मक्खन उतार लेता है, खा लेता है, खा लो, लेकिन जमीन पर जो गिरा देता है ऐसे वो डेली करता है, और दिन प्रतिदिन की जो हमारे गोरस की जो हानि है, यह इस लड़के का कौन सा तरीका है। अर्थात अगर सरल शब्दों में बात करें तो ग्वालिन को श्री कृष्ण के माखन खाने से कोई आपत्ति नहीं है, वो ये कहना चाहती है कि वो मक्खन तो खा ले, लेकिन जब जो मक्खन बचता है उसको भूमि पर बिखरा जाना, बिखरा कर जो हमारे वो गोरस की, हमारे दूध दही मक्खन की जो वो हानि कर रहा है, यह इसका कौन सा तरीका है, यह तो कोई तरीका नहीं हुआ, ठीक है तो उसे माखन खाना वो खा ले। तो इस प्रकार से उनको उल्हाना देती है। फिर कहते हैं सूर शाम को हटकी न राखे, हटकी मीन्स हटा कर, राखे मीन्स रखना। तो इसमें कहते हैं ग्वालिन यशोदा माँ, सूरदास जी कहते हैं, सूर शाम मीन्स सूरदास जी कहते हैं ग्वालिन यशोदा माता से कहती हैं कि तुम अपने पुत्र को हमसे दूर क्यों नहीं रखती, ते ही पुत अनोखा जायो, कि तू अपने पुत्र को हमारे घर से अलग क्यों नहीं रखती, दूर क्यों नहीं रखती, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र जना है, अर्थात क्या तुमने ही क्या अनोखा पुत्र पैदा किया है, तुम्हारा पुत्र क्या इतना अद्भुत है, इतना स्पेशल है कि जो घर घर पर जाकर नुकसान करता फिरे। तो ये इस कविता के अंदर, ये इस पद में जो है बताया हुआ है कि किस प्रकार अनेक तर्क देकर जो है ग्वालिन माता यशोदा के पास आती है उलाने लेकर और उसे बताती है। तो स्टूडेंट्स देखिए, दोबारा से एक बार और बता दूं, इस पद्यांश के अंदर, इस पद में ग्वालिन की माता यशोदा के पास अनेक तरह के उल्हाने लेकर आती हैं और कहती हैं कि तुम्हारे पुत्र ने मेरा मक्खन खाया है,
और वह दोपहर के दिन वह दिन में दोपहर के समय सुनसान घर को देखकर आता है और मक्खन को ढूंढते हुए स्वयं ही आ जाता है। और क्या करता है, वह घर के किवाड़ खोलकर दरवाजे खोलकर मंदिर में घुसकर बैठ जाता है और अपने सभी दोस्तों को भी क्या करता है, मक्खन और दही खिलाता है। फिर कहती है कि वह उखल पर चढ़कर सीके से माखन और दही तो उतार लेता है, खा लेता है, और जितना खाता है खाता है, बाकी को वह जमीन पर लुढ़का जाता है, जमीन पर गिरा जाता है। इस प्रकार प्रतिदिन की जो हानि हमारी होती है, गोरस की दूध और दही की जो हमारी हानि वो करता है, यह इस लड़के का कौन सा ढंग है, कौन सा तरीका है। तो वो यशोदा माता से कहती कि तुम अपने पुत्र को हमारे घर से दूर क्यों नहीं रखती, क्या तुमने ही क्या अनोखे पुत्र को पैदा किया है, क्या तुम्हारा पुत्र इतना स्पेशल है कि वो घर घर जाकर लोगों का नुकसान करता फिरे। तो बच्चे इसके अंदर यही बात बोली गई है। अब सूरदास जी हैं तो ये जो कविता ये जो पद हैं ये ब्रज भाषा में लिखे हुए हैं। कौन सी भाषा में लिखे हैं, ब्रज भाषा में। तो स्टूडेंट्स पहले यहाँ पर जो शब्द लिखे हैं उनको हम करते हैं, फिर इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आंसर्स निकलते हैं उनको करते हैं। देखिए दिवस, दिवस होता है दिन, जानी मीन्स जानकर, सुनो मीन्स सुनसान, ढंडोरी मीन्स ढूंढना, किवाड़ी मीन्स किवाड़ या दरवाजा, पैठी घुसकर, सखनी मित्र, सीके दूध या दही के को रखने का स्थान, धरकायो मीन्स गिरा देना, गोरस मैंने गाय के दूध से बने पदार्थ, और डोटा होता है लड़का। तो बच्चे ये थे इस चैप्टर से रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स। अब जैसा कि मैं आपको डेली बताती हूँ कि इससे रिलेटेड आप क्वेश्चन आंसर्स खुद बनाएंगे, तो जैसे पहला क्वेश्चन इस पद्यान से निकल कर आता है कि गोपियाँ यशोदा माता के पास क्या लेकर आती हैं। नेचुरल सी बात है, श्री कृष्ण के प्रति उल्हाना लेकर आती हैं। फिर श्री कृष्ण जी गोपियों के घर में किस समय जाते थे, गोपियों के समय माखन ढूंढने, दिन में दोपहर के समय, किस समय जाते थे, दिन में दोपहर के समय जाते थे। फिर कहते हैं कि वह माखन को कैसे उतारता था, वह माखन को उखल पर चढ़कर उतारता था। अंत में गोपियों ने यानी कि ग्वालियों ने माता यशोदा पर क्या व्यंग्य किया है, कहेंगे कि गोपियां माता यशोदा पर व्यंग्य करती हैं कि तेही पूत अनोखा जायो। इस प्रकार से क्वेश्चन इसके बनते हैं बच्चे। सभी बच्चे अपनी फेवरेट नोटबुक्स में इनको करेंगे, लिखेंगे और याद करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।